हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है और आज सी शार्प के जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेफ एंड आउट। अपनी पिछली वीडियो में मैंने रेफ और आउट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया था कि रेफ और आउट का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहले मेरी पिछली वीडियो देखिए, 31st वीडियो है वो मेरी, और उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करिए। तो जो एग्जांपल मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे वही एग्जांपल मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ। अब देखिए, आपके सामने एक रेफ और आउट का यूज करके दो फंक्शन क्रिएट किए गए हैं। तो मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है रेफ और आउट से रिलेटेड, कि क्या हम रेफ और आउट पर मींस मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मिक्सअप है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस स्वैप फंक्शन की, तो मैंने कहा कि मुझे एक स्वैप फंक्शन और बनाना है जिसमें कि मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ काम करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और उसे यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर दिए। स्वैपिंग के लिए तो ये मेरी मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे परफॉर्म हो गई। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि मींस हम रेफ और आउट के साथ डिफरेंट पैरामीटर को लेकर, या फिर जो भी हमारे ओवरलोडिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली यस, हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या एक वैल्यू टाइप पैरामीटर को यूज करके और एक रेफरेंस टाइप पैरामीटर को यूज करके ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो उसका भी आंसर है यस। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे इंटीजर वाई ले लिया, तो ये भी हमारी ओवरलोडिंग परफॉर्म हो सकती है। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है सिर्फ रेफ और आउट के बेस पे, मींस एक मैंने फंक्शन बनाया जिसे रेफ पैरामीटर पास हो रहे हैं और एक मैंने फंक्शन बनाया जिसे आउट पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो वो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेफरेंस टाइप हैं। तो रेफरेंस टाइप होने की वजह से कंपाइलर के लिए ये दोनों फंक्शन सेम हैं, अलग नहीं हैं। तो इस केस में हम लोग ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग रेफ और आउट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अदर पैरामीटर्स के साथ, या फिर हम बात कर रहे हैं वैल्यू टाइप के साथ, तो हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेथड ओवरलोडिंग को कैटेगराइज करना चाहते हैं सिर्फ रेफ और आउट की बेसिस पे, कि दो फंक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ रेफ और आउट का डिफरेंस है उनके बीच में, तो वो मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हमने जो भी पैरामीटर पास किए, हम लोगों ने इंटीजर पास किया, हम लोगों ने स्ट्रिंग पास किया, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूजर डिफाइंड जो रेफरेंस वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, मींस हम जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या उनके ऊपर मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म क्या उनके ऊपर रेफ और आउट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने एक फंक्शन बनाया, अच्छा इस कॉन्सेप्ट से पहले देख लेते हैं, मैंने एक क्लास बना रखी है डेटा के नाम से जिसके अंदर दो पैरामीटर है, एक डेटा आईडी और एक डेटा डिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो क्लास के ऑब्जेक्ट हैं इनके भी ऑलरेडी रेफरेंस वेरिएबल ही क्रिएट होते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊँ डेटा का, मैंने बनाया डी टी इक्वल टू न्यू डेटा और कुछ वैल्यू भी दे देते हैं, मैंने कहा डेटा आई डी इक्वल टू 101 एंड डेटा डिस्क्रिप्शन is equals to, suppose मैंने डाल दिया this is my dummy data, ठीक है। तो मुझे इसे पास करना है as a reference variable, कहाँ? अपने एक function को। तो पहले एक बार इसे delete कर देते हैं हम लोग। तो मैंने एक function बनाया public void data show के नाम से, जिसे मैंने कहा कि उसे मिलेगा data type का dt। तो आप देखिए, मेरे पास यहाँ पे कोई एरर शो होके नहीं आ रहा। तो ये रेफरेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किया। अब इसमें कुछ भी, एक मैंने डेटा टाइप का एक और ऑब्जेक्ट बनाया D1,
मैंने ले लिया डेटा आईडी इज इक्वल्स टू सपोज 201 कर दिया इसे, और डेटा डिस्क्रिप्शन मैंने इसे दे दी, दिस इज माय न्यू डेटा, और इस डीटी को पास कर दिया मैंने डीप। ठीक है, तो अब हम इसकी कॉलिंग करा सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैंने कहा कि मेरी क्लास का नाम है एबीसी, तो एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, हमने कॉल किया एबी डॉट डेटा शो, और वहां पे पास कर दिया रेफ ऑफ डीटी। फाइन, अब इसे प्रिंट कराते हैं एक बार। आईडी इक्वल टू प्लस डीटी डॉट आईडी, डिस्क्रिप्शन इज प्लस डीटी डॉट डेटा डिस्क्रिप्शन। तो एक बार इसे प्रिंट कराते हैं। पहला जो डेटा था वो 101 था, और दिस इज माय डमी डेटा करके हमारे पास डेटा था। तो आप देखिए, ये मेरा न्यू डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ गया। तो अगर हमें रेफरेंस टाइप वेरिएबल भी पास करने होते हैं रेफ और आउट को, तो हम वो वेरिएबल भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में डिस्कस किए जाते हैं रेफ और आउट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को इजीली देख सकें। थैंक यू सो मच, बाय।